अली भाई क्या सोच रहे हैं? यार सोच रहा हूँ कि ब्लॉग नंबर 9 काफी बनाई। अभी बनाते हैं। हाँ शुरू कर दें अभी। स्टार्ट कर लो। पर सबर, सबसे पहले इंट्रो देखो। चलो सही है। This is Ali Creek vlogging YouTube channel and this is vlog number 9. तो क्या फील कर रहे हैं आप? बड़ा जबरदस्त फील कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कल, सबसे पहले कल तो बड़ा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक्स फॉर अपने व्यूअर्स का। अभी 24 आवर्स भी कंप्लीट नहीं है और 89 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ऐसा ऐसे ही जाएंगे। एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपके साथ फर्स्ट टाइम व्लॉग करने के लिए। चलो देखते हैं कि इस पे कितना रिस्पॉन्स आता है और चलते हैं साथ में, फिर सफर को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। चले ओके। हम जा तो रहे हैं पर अली भाई नहीं कह रहे हैं, सरप्राइज हमें दे रहे हैं और कह नहीं रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे। अली भाई आप ये दिखा दो, आप ये दिखा दो। ये हमारे गांव का पहाड़ है फुल, और ये हम चढ़ेंगे इसके ऊपर, साथ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अली भाई आप कहते नहीं हो कि हम इधर जा रहे हैं? आपने मुझे नहीं कहा ना, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा आपको सरप्राइज दूंगा। नहीं तो नीचे मेरे बूट भी नहीं है, मैं फ्लैट चप्पल पहन के आया हूँ। चलो खैर गुजारा गुजारा करेंगे, चले जाते हैं आगे शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम चढ़ रहे हैं ऊपर, काफ़ी पथरीली जगह है ये देख सकते हैं। अली भाई वैसे आप कमाल कर रहे हैं यार। यार देखिए अगर कुछ नुकसान हो जाए ना, मैं आपसे नुकसान पूरा करूँगा। अच्छा तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं। आपने रास्ता देखे थोड़ा सा पीछे धूप वगैरह है तो थोड़ा सा मौसम जबरदस्त है। कल रात से बारिशें का सिलसिला जारी है। बारिश है, आज धूप निकला तो मैंने कहा चलो इनसे, मैंने कहा कि व्लॉग नंबर 9 बना दूं। आते हैं और फिर इनको मैं नहीं बताया था कि हम जाएंगे कहाँ। ये अजीब काम किया अपने, ये मेरे साथ अजीब काम किया। तो जुर्माना है, इससे कुछ करेंगे, पिज्जा वगैरह इनसे निकालेंगे हम। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और ये ऊपर एरिया, एक मिनट, ये ऊपर एरिया आप देख सकते हैं और मैं ऊपर गया था वहाँ, इन्होंने इंटो से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। आपको ईंटों के दरमियान एक केव सा बना हुआ है। तो ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, आगे ये हमारा पूरा गांव का नजारा, उस साइड तो कीड़ी है आई थिंक सो। तो ये हमारा गांव है, इधर से आ चुके हैं। अली भाई ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा। नहीं छोड़ेंगे एफसी वाले, नहीं छोड़ेंगे ना। अभी तो बसता है ना, वो छोड़ते नहीं है। और तो देखते हैं इंशाल्लाह। दिखा दिए? हाँ वो मैंने जबरदस्त वीडियो बनाए। अच्छा। वो आप लोगों के साथ। और ये जो नीचे है, ये नीचे आप उनको कवर कर रहे हैं? नीचे तो मैं दिखा दिए, मैंने दिखा दिया आपने नीचे। तो ये नीचे हमारा बिल्कुल मुकम्मल गांव है और उस तरफ जो है वो कीड़ी है। बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवाएं भी चल रही है और सर्द मौसम है। सर्दी आ गई है और बस बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। मिलते हैं आगे। इधर आप वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं और वापसी आस्ता आस्ता आप नीचे उतर रहे हैं और श्याम भाई भी जा रहे हैं, ये देखें आप। अच्छा ये आगे वापसी का थोड़ा मुश्किल है। हाँ यार ये कि आपने ये भी पहना हुआ है यार, आप मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ यार। तो यार वैसे कंफ्यूजिंग है यार, आप भी मुझे अली कह रहे हैं, मैं आपको भी अली कह रहा हूँ। नाम चेंज कर चेंज कर लेंगे ना यार, कर लेंगे नाम इसका, इसमें शीजी कहूंगा, शीजी भाई, तो ये मैं श्याम भाई कहेंगे। सही है फिर, ये नाम ये इसलिए कि ये भी अली है, मैं भी अली हूँ, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार अली आया वैसे है कॉल पे। कंफ्यूजिंग बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं वापसी का सफर। और ये देखिए जा रहे हैं, बड़े एहतियात से जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है
शूज नहीं पहने ना, तो इसलिए क्या कहोगे अब यार, मुझसे गलती हो गया यार। अब अभी तो कुछ नहीं होगा, कहने के अब कहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपसे मैं जुर्माना तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये रूट है और हम यहाँ नीचे, अब ये सारा हमारा जो है ये गांव है। तो मिलते हैं फिर। ओए श्याम भाई यार, हम भूल गए इनको, हमने वो केव नहीं दिखाया यार। वो केव? हाँ अभी मैं जा रहा था, आपने मुझे याद दिलाया, मुझसे भी भूल गया था। मुझसे भी भूल गया था मैं, हम तो जा रहे थे बस, हमने कहा चलो बस जाते हैं, लेकिन फिर मुझसे भूल गए। चलो दिखाते हैं इनको, दिखाते हैं। ये सामने है, सामने ये सामने यही है, ये इधर अभी इंशाल्लाह दिखाते हैं। पर इतना ज्यादा अंदर यार, वही तो मुझे डर लगता है ना यार, कसम से। चलो देखते हैं। सो सविन, ये वो केव है और अंदर जाना मुनासिब नहीं है, मुझे भी डर लगता है और इनको भी डर लगता है यार। जाते हैं आप? नहीं, जाना आपको अगर याद हो तो हम आए थे कजन्स के साथ, हमारा कजन था फैजान भाई, तो यहाँ फंस चुके थे। हाँ, वो मेरी फंस चुका, फिर वापसी बिल्कुल फ्लैट है ना, तो इधर अंदर से नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर नीचे नहीं उतरना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, सर्दी लगी है हैंग बहुत। हाँ चलो फिर, मेरा सोच था कि ऊपर चढ़कर इनको दिखाऊंगा अंदर तक, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं होता यार, मैं तो डरता हूँ, साफ बात है। नहीं, जाना मुनासिब नहीं है, जाना मुनासिब है, हर किस्म का जानवर यहाँ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए हमारे लिए बेहतर है बस। चलो सही है, फिर वापसी का सफर ही शुरू कर दे। शीजी भाई ट्राई कर रहे हैं चढ़ने के लिए, शीजी भाई फिर आप वापसी खुद उतर रहे हैं, मैं कोई हेल्प नहीं करूँ। अच्छा ये इनकी खातिर मैं जा रहा हूँ, ये इन्होंने मुझे फोर्स किया कि ऊपर जा कर इनको आप दिखाओ। मैंने कहा चलो, इन्होंने मुझे चैलेंज किया, चैलेंज मुझे ये जिम्मेदार है, फिर मैं हेल्प करूँगा कुछ आगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता। शीजी भाई उतर गए हैं। हाँ यार, बस ऊपर मस्जिद में नहीं चढ़ पाते। एक और बात मुझे याद आया यार, हमारे एक व्यूवर है और जैन भाई, मतलब मेरा कज़न है, और वो मेरे वीडियो काफ़ी शौक से देखते हैं और वो मुझे कहते हैं कि यार मैं आपके वीडियो को अपने LCD पे देखता हूँ। वो बड़ा LCD क्या होता है, उस पर वो देखते हैं। और फिर सलाम है उनको, इनका प्यार मोहब्बत इजहार है। और इसके अलावा इनके जो फादर है वकार अंकल, वो भी काफ़ी शौक से देखते हैं, और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे कहता है यार आपकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त अलग किस्म का होता है, मैं हमेशा देखता हूँ। तो यार इनको सलाम है, ऐसी सपोर्ट करें जैसे जैन भाई करते हैं, तो हमें फिर हौसला मिलता है, हौसला मिलता है, हौसला मिलता है। गांव वाले सपोर्ट करें, मेहनत करते हैं तो इतना तो होना चाहिए यार। बिल्कुल, हीटिंग में। थैंक यू जैन भाई, जिंदाबाद, वी लव यू जैन भाई। और ये श्याम भाई बैठे हुए और इसी सोचों में कि यार रास्ता किस रास्ते पे जाए, तो यही रास्ता है ना यार, कांटे के बीच हम जाएंगे यार, बस अब तो जाना पड़ेगा ना यार, अब कोई और रास्ता है नहीं। शायद मैं गलत आया हूँ यार, शायद मैं गलत आया हूँ, जुर्माना। अच्छा चलो देखते हैं फिर यार, अब दो पिज्जा हो गए हैं तो अब तो करना पड़ेगा यार। आखिर हम पहुँच गए हैं, नीचे उतर गए हैं और श्याम भाई भी आ रहे हैं, काफ़ी थकावट महसूस कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि ये मुझे जुर्माना कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि खैर वाफियत से जो है ये पहुँच गए, क्योंकि इन्होंने जो ये पहना हुआ था ये बच गए। अच्छा अभी क्या करते हैं? अभी जाते हैं इंशाल्लाह घर, जाते हैं रोड है, रोड में तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर घर पे इजाजत मांगेंगे, घर पे इंशाल्लाह इजाजत मांगेंगे। फिलहाल अभी तक सफर हमारा तमाम है, जो हमने जिस चीज के लिए हमने व्लॉग बनाया ये था। पीछे आप देख सकते हो ये जो कम्बा, हम यहाँ तक गए थे और अब वापस हम जो है उतर चुके हैं, तो फिर घर पे मिलते हैं। फिर हम घर पहुँच गए और क्या कह चाहेंगे, बस ये कहना चाहता हूँ कि हम घर पहुँच गए और ऊपर तक चढ़े थे और थकावट महसूस हो रहा है, और आप लोगों के साथ हमने ये ब्लॉग बनाया, ब्लॉग नंबर 9। अगर आप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलेगा। तो बोले आप कुछ? मैं आखिर बस सलाम ही करूँगा। हाँ। और अस्सलाम वालेकुम, खुदा खुदा।